हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स कैसे हैं आप कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम में और हम सबको एक मास्टर स्ट्रोक देना एग्जाम में 98 एट परसेंट लाने हैं और उसके लिए मुझे पता है तैयारी जोरो शोरों पे है चलिए इस तैयारी को और परफेक्ट बनाते हैं आज मैं आपको फ्लेमिंगो बुक की पोम रोड साइड स्टैंड पढ़ाने जा रही हूँ ये पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बेहतरीन पोम्स में से एक है आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज मोस्ट सेलिब्रेटेड अमेरिकन पोएट्स इनकी ज्यादातर पोम्स ह्यूमैनिटी पर जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड होती हैं। और ये जो पोम है ये भी एक कंट्री साइड रूरल फोक की कहानी उनकी जद्दोजहद उनकी प्रॉब्लम्स की बात करती है पोम रोड साइड स्टैंड आपने देखा होगा इतने सारे नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे जाते होंगे तो कितने सारे रोड के किनारे वेंडर्स या बहुत सारे फ्रूट वाले वेजिटेबल्स वाले या अट्रैक्टिव चीजें चिप्स वगैरह बेचने वाले होते हैं कई लोग लेते हैं कई लोग बड़ा इरिटेटेड एक्सप्रेशन बना के चले जाते हैं तो उन्ही रोड साइड ड्वेलर्स जिन्होंने वहां पर एक शैक एक छोटा सा झोपड़ा उस घर को आगे बढ़ाकर एक शॉप बनाई है या खोखा बनाया है उस रोड साइड स्टैंड के लोगों के एक्सप्लाइटेशन उनकी परेशानी उनकी तकलीफों को बयां करती है ये पोम रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप जानते हैं ये पोएम कंट्रास्ट करती है किस चीज के बीच में सिटी के अमीर लोग और कंट्री साइड के गरीब लोगों के बीच में इस पोम का बेसिक थीम ये है दैट दी gap between the rich and the poor between the city and the countryside people should come to become small i mean they should abridge the gap between the rich and the poor the disparity between them because they are not able to earn anything उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो सारे फार्मर्स जिनकी एग्रीकल्चर से उपज से उतना कमाई नहीं होती तो वो सिर्फ अपनी इनकम का जरिया बढ़ाने के लिए वो शॉप खोल के बैठे हैं बट तकलीफ तो ये है कि कोई उनकी सुनता नहीं और कोई उनको समझता नहीं तो ये सिखाती है ये पोम चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पोम द रोड साइड स्टैंड दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती जाऊंगी कोई भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन ओके द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पिट पोएट कहते हैं कि एक पुराने से घर को थोड़ा सा रेनोवेट कर कर रीइनवेंट कर कर आगे शेड डाल दिया गया है और रोड के किनारे पर स्पेसिफिकली टू अट्रैक्ट दस्टमर्स जहां से बहुत सारे वैगन गाड़िया जाती है because that's a highway. ये एक ऐसा highway जो माउंटेनियस एरिया पे बसा है अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पथेटिकली प्लेड और ये जो स्टैंड है मानी ये जो शॉप है और ये जो कॉर्नर में खोली गई शेड है ये बहुत ही पथेटिक दयानीय मिजरेबल कंडीशन में है इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड वो फिर स्पेसिफाई करते हैं कि प्लीज ये मत समझिएगा कि ये आपसे डोनेशन मांग रहे हैं रोटी की भीख मांग रहे हैं नहीं ये तो ईमानदारी से पैसा कमाने की एक कोशिश कर रहे हैं बस आप गाड़ी रोककर उनसे कुछ खरीदेंगे वो पैसा उनकी इनकम बढ़ाएगा फॉर सम सिटी मनी द कैश दैट फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विद रेग फेंट अब यहां फ्लावर्स का मतलब क्या है प्रोस्पेरिटी लग्जरीज यहाँ फ्लावर्स का मतलब क्या है ग्रोथ कहता है वो पैसा जो शहर को खूबसूरती देता है तरक्की देता है प्रोस्पेरिटी देता है ये सिर्फ वो पैसा चाहते हैं जिस पैसे से ये उन्नति कर रहे हैं वो पैसा थोड़ा इनकी भी जेब में आ जाए ताकि ये भी फूलों की तरह मुस्कुराने लग जाए द पॉलिश ट्रैफिक यहाँ पे पॉलिश का मतलब क्या है दोज एम्बिशियस पीपल कहते हैं द पॉलिश ट्रैफिक पास विद माइंड ये सारे के सारे रिच पीपल एम्बिशियस लोग सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन को सोचकर बस आगे बढ़ते जाते हैं बिना ये सोचे कि इन लोगों से कुछ खरीद लें, ताकि इनका भी उद्धार हो जाए एंड इफ एवर असाइड अगर रुकते भी हैं देन आउट ऑफ सॉर्ट्स सिर्फ इरिटेशन सिर्फ अपनी गुस्सा दिखाने के लिए अपनी एंजाइटी दिखाने के लिए लैंडस्केप है क्या कहते हैं कि ये लोग कैसे हैं इन लोगों ने मार मीन स्पॉइल कर दिया है डिस्ट्रॉय कर दिया है इतनी खूबसूरती को मतलब पहाड़ों में बसी प्राकृतिक खूबसूरती को इन्होंने अपने प्रेजेंस से सब कुछ खराब कर दिया है इतने भद्दे इतने लाउड पेंट कर दिए हैं ये जो एन और एस जो साइन बोर्ड होते हैं डायरेक्शन वाले वो गलत टर्न हुए हुए हैं वो गुस्सा करते हैं दैट आर दे सेलिंग ऑल थिंग्स हियर एट द कॉर्नर ऑफ द रोड एंड दे आर एक्चुअली मारिंग मीन डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी देखिए वो बेचारे तो स्कवाश जामुन बेच रहे हैं वो वो कुछ वेजिटेबल्स बेच रहे हैं वुडन क्वार्ट्स माने लकड़ी की टोकरियों में क्या चाहते हैं कि वो कोई खरीदे बल्कि फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स है और उनको थोड़ा सा पैसा मिले ऑफ ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटिफुल माउंटेन सीन वो तो सिर्फ इधर उधर देखते हैं उस खूबसूरती को देखते हैं और फिर जब इन लोगों को देखते हैं तो इरिटेट होते हैं बड़े एंग्री एक्सप्रेशंस देते हैं और उनसे कुछ खरीदते नहीं है यू हैव द मनी अब पोए सीधा उनपे अटैक करता है और कहता है उन सिटी डवेलर्स को वो लोग जो अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है इफ यू प्लीज बाय समथिंग फ्रॉम दैम बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन यू वाई कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है सो प्लीज हेल्प दैम भीख देकर नहीं उनसे कुछ खरीद के बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉस लियन गो अलॉन्ग क्रॉस का मतलब गुस्सा Anger है, frustration है और कहता है कि पैसा है तो इस्तेमाल करो एक अच्छे काम के लिए के लिए अपने पैसे को अपने पास संभाल के चले जाते हो और इन लोगों के लिए कुछ भी सोचते नहीं हो दर्ट ऑफ द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेन कहते हैं जो मेरे और भाई बहन है जो शहरों में रहते हैं वो सिर्फ कंप्लेन करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड दिखाते हैं मगर मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं मैं इन सब के दर्द को समझता हूं मैं कोई कंप्लेन नहीं करता बट मेरी कंप्लेन क्या है सो मच ऑफ व्हाट इज कहता है इनका विश्वास टूटा है और इस विश्वास के दर्द के एहसास से मैं दर्द में हूं जो ये कह नहीं पाते जो ये महसूस कर रहे हैं और पोएट भी उनके दर्द को महसूस करता है फ्रॉम दिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड वो एन के नजरिए से कहते हैं कि हमने शहरों से दूर यहाँ पर एक छोटी सी शॉप खोली है एक छोटा सा क्यूर्स खोला है क्या करने के लिए सिर्फ कुछ इनकम कमाने के लिए एंड आज फॉर सम सिटी मनी वॉट डू वी वॉन्ट जो पैसा आपके पास है जो आपको ग्रोथ दिला रहा है वी वॉन्ट दैट सम पार्ट ऑफ दैट मनी ताकि हमारी लाइफ भी हैप्पी हो सके प्रोस्परस बन सके हम भी तरक्की कर सकें ट्राई नॉट टू मेक आर माने अगर हम गरीब होंगे तो हमारे बच्चे भी गरीब होंगे तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कमा पाए माने थोड़ा है थोड़े की जरूरत है हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम जैसे गरीब और ना हो हम अपने बच्चों को पैरों पर पे खड़ा कर सके एंड दे कैन अर्न देअर लिविंग And give us the life. कहते हैं वो वो बहुत सारी movies, वो projectors जिन पर हमने बड़े खूबसूरत वादे देखे थे कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी मतलब कहानी रैक से रिचे तक की पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी तक की वो मूवीज में जो दिखाया गया था जो वादे थे कम से कम उन वादों को तो पूरा कर दो लिखा है ना मूविंग पिक्चर प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू कीपिंग अस वो रूलिंग पार्टी मींस वो पार्टी जो सत्ता में आ गई है जब वोट मांगने आई होगी तो उन्होंने बहुत सारे टॉल प्रोमिस किए होंगे मगर आज सत्ता में आने के बाद भूल गए हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे आने तो दीजिए सत्ता में सब उजड़वा देंगे ऐसा उनका मानना था मगर उन्होंने बोला कुछ और था उन विचारों ने उस प्रॉमिस के झांसे में आकर अपने अविश्वास उनको दिया मगर विश्वास टूट गया तो कहता है जो प्रॉमिस हमें दिया था कम से कम वो तो पूरा करिए इट इज इन द न्यूज माने मीडिया के जरिए ये खबर फैल चुकी है कि देर आर वेरियस स्कीम्स बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं प्लानिंग स्कीम्स हैं क्या देस पिटीफुल नाते रिश्तेदार इन सारे लोगों पर जिन पर हमें दया है इन सब हमारे भाई बहनों को उठाया जाएगा यहाँ से और ऐसी जगहों पर इनको जगह दे दी जाएगी कहाँ पर मर्सीफुली गैदर्ड टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू थियेटर्स एंड टू मतलब दे विल बी गिवन अ प्रॉपर प्लेस नियर थिएटर्स एंड स्टोर ताकि फिनेंशियल प्रॉब्लम और इन्हें सहनी ना पड़े मतलब इनके जैसे गरीबों का और एक्सपेंशन ना हो मगर एक्चुअली होता है उनका सिर्फ झूठे फेक से उनको अट्रैक्ट किया जाता है और बाद में कुछ नहीं होता वो खाली हाथ रह जाते वेयर दे वोंट हैव टू थिंक कहता है ऐसी जगह तुम्हें सेटल कर देंगे जहां तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं होगी जहां तुम्हारे को कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं होगा गुड डूअर्स वो लालची लोग जो अच्छा करने का वादा करते हैं दे आर बीस्ट ऑफ़ देव शिकारी हैं जो इन गरीबों का इन कंट्री साइड लोगों का शिकार करते हैं और उन बिचारों को पता भी नहीं चलता उनकी जिंदगी पे छा जाते हैं एनफोर्सिंग बेनिफिट अपना फायदा निकालते हैं और उनको वही छोड़कर बेबस तरसाई हुई नजरों के साथ छोड़ जाते दे आर कैल्कुलेटेड टू सूट दम आउट ऑफ देस कैलकुलेटेड माने दे हैव देअर प्लान की वो अपनी अक्ल से इनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती वो वही के वही रह जाते हैं

रातों की नींद ले ली यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है गाइस आपने सुना होगा एंशियंट पुराने टाइम में साहूकार या ये लोग क्या करते थे एक्सप्लॉइट करते थे गरीबों को उन बेचारे गरीब लोग जो मेहनत करते थे फिर भी उन्हें नहीं मिलता था उनकी रातों की भी नींद छिन जाती थी तो कह रहा जिस तरह वो नहीं सो पाते थे ये बेचारे मेहनत करके भी कुछ कमा नहीं पाते वादे भी टूट गए और इनकी रातों की भी नींद चली गई और वो सब जिन्होंने प्रॉमिस किया वो सब के सब आज आराम से सो रही Sometimes I feel myself. I can hardly bear the thought of so much childish longing. अब poet, बहुत कष्ट में और कहता है कई बार मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता इन बच्चों जैसी इच्छाएं जो आंखों में चमकती हैं. मैं देखता हूं वो बच्चों जैसी डिजायर जो चाहते हैं कि कोई गाड़ी रुके और उनसे कुछ खरीदे क्योंकि सारे प्रॉमिसेस सब झूठे थे The thought of so much, vain माने बच्चों जैसी इच्छा तड़प जो एकदम बर्बाद हो गई। लर्क झांकती है। Open window का मतलब वो खुली जिस पे वो खुली बैठे हैं दुकानों में या खोखो में जिसमें बैठे हैं वो खुली आंखों से निगाहों से देखते हैं कि कोई गाड़ी रुके और कोई उनसे कुछ खरीदे बट दर्द इतना है कि वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता क्योंकि कोई रुकता ही नहीं और कुछ खरीदता ही नहीं पूरे दिन इस ओ, ये लिखा है लाइन दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर ऐसे नहीं हाथ जोड़ के खड़े हैं बट पूरी उम्मीद के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए दिन रात की कोई गाड़ी रुके और उनसे कुछ खरीदे एक ब्रेक की आवाज आए एंड दे शुड बाय समथिंग फ्रॉम देम द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार हाँ हजारों पास होती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो रुकती हैं जस्ट वू इंक्वायर वॉट द फार्मर्स प्राइज इज आर और किसमत से एक गाड़ी रुकती है उनके अंदर उम्मीद की किरण आती है बट तेन वाई डू दे स्टॉक अपने ही सेल्फिश मोटिव के लिए कि जो प्रोड्यूस किया है फार्मर्स ने जो हार्वेस्ट है उसका कॉस्ट क्या है एक और गाड़ी रुकती है बट टू प्लाउ अप द ग्रास घास को खराब करके जाती है एक और गाड़ी रुकती है जस्ट टू यूज दू बैक एंड टर्न अराउंड सिर्फ उसके एरिया को यूज करने के लिए अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए एंड अनदर टू वाज द वेयर टू वेर इट वाज फाउंड और एक और रुकती है और पूछती है कि ये रास्ता कहां जाता है माने उनकी गाइडेंस लेने की आप समझते क्यों नहीं है पोएट ये कहता है कि उन्हें भी आपकी मदद की जरूरत है फिर मान लीजिए डोनेशन नहीं मगर सहारा सिर्फ इस तरह की वो कमाना चाहते हैं आप उनसे कुछ खरीद

क्यों इनके शोषण का कोई अंत नहीं है आखिरी में देखिए पोइट क्या कहता है नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन एक देश तभी तरक्की करता है जब बैलेंस डेवलपमेंट होती है मतलब देर आर सो मेनी वेलफेयर स्कीम्स देर आर सो मेनी नेशनल एजेंडा बट कोई भी नेशनल एजेंडा इन कंट्री साइड के लोगों की तड़प को परेशानी को और इनकी डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचता and this is what the problem of these people is ki balance growth tabhi hogi jab sab khush honge the requisite lift required requisite means required lift of spirit has never been ये इच्छा ये एनर्जी ये कुछ कर गुजरने की इन लोगों के लिए कुछ काम ये है ही नहीं कहीं भी और so the voice of country seems to come. इन विचारों की दुविधा और परेशानी यही है कि कोई उनके बारे में सोचता ही नहीं आई कैन आई कांट हेल्प बी अब वो एट रॉबर्ट फ्रॉस कहते हैं कि शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा कि उस दिन मैं कितना खुश और कितना शांत हो जाऊंगा जब मेरे ये दोस्त भाई अपने दर्द से बाहर आए To put these people at one stroke out of their ऑफ I mean, I want some magic to happen. कोई जादू हो जाए और ये बेचारे जो तड़प रहे हैं कष्ट में है गरीब है बेबस हैं और कुछ कमाना चाहते हैं ये इन कमाई का साधन ये जुटा सके But कहते हैं कि ये कोई मैजिक हो जाए और वो सोचने लगते हैं कि शायद कुछ मैजिक होगा टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन नेक्स्ट मगर जब अगले दिन अपने सेंसेस में आते हैं वापस उस सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं देन ही अंडरस्टैंड सेन माने वेन ही कम्स बैक टू हिज सेंसेज आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी वो अपने रीडर से दरख्वास्त कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि किसी तरह हम सब मिलकर इनकी मदद करें बट सच कड़वा है सच कुछ और है एंड ही रियलाइजेस दैट ये सब पॉसिबल नहीं है ये सपना है

And he wants something to be done for the upliftment of these countryside people. I mean, उनके efforts को भी recognize करे government, उनके लिए भी कुछ किया जाए. With this we come to an end of the poem, the roadside stand by Robert Frost. उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया हो. जितने भी लोगों ने अभी तक channel subscribe नहीं किया है, चाहिए फटाफट subscribe करिए. और एक लाइक like तो बनता है प्लीज प्रेस दी बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन कीप गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल बाय फॉर नाउ ऑल द बेस्ट टेक केयर